My precious children of God, I greet each one of you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. परमेश्वर के बहुमूल्य संतानों, आप सभी को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं अभिवादन करती हूँ. Today we are going to meditate Psalm 81 verse 10. आज हम मनन करने वाले हैं भजन संहिता 81 वचन 10 पर. God says, I am the Lord and your God who brought you out of Egypt. परमेश्वर कहते हैं, तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूँ जो तुझे मिस्र देश से निकाल लाया हूँ. People of Israel were in slavery. इस्राएली जो लोग थे वो तो गुलामी में थे. They were in Egypt. वो मिस्र में थे. All of them were struggling hard because the Egyptians gave them lot of trouble. और वो तो बहुत ही मुश्किल में थे क्योंकि जो मिस्री लोग थे उन्हें बहुत सताया करते थे. That time they cried unto the Lord God Almighty. और उस समय उन्होंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर को पुकारा. And if you read Exodus 13:3 and 20th chapter verse 2. अगर आप निर्गमन अध्याय 13 या फिर निर्गमन अध्याय 20 में 2 में अगर आप पढ़े तो. What do we read over here? हम यहाँ पर क्या पढ़ते हैं? Moses, who brought them out of Egypt, said to his people like this. मूसा जिसने अपने उन लोगों को मिस्र में से बाहर निकाला था उसने अपने लोगों से इस तरह से कहा. People, remember this day in which you went out of Egypt, out of the house of bondage. For by strength of hand the Lord brought you out of this place, out of the house of bondage. और ये इस तरह से कहता है कि लोगो, जिस परमेश्वर ने तुमको मिस्र में से बाहर निकाला, उस गुलामी के घर में से बाहर निकाला है, उसे तुम स्मरण रखो. When they were in slavery, Israelites cried unto the Lord. और जब वो गुलामी में थे तो उस समय इसराइलियों ने परमेश्वर को, Lord, you are our hope, save us. हे परमेश्वर, तू ही हमारी आशा है, तू हमें बचा ले. That time God saved them in a miraculous way. और उस समय परमेश्वर ने उन्हें बहुत ही अद्भुत तरीके से बचाया. Yes, same thing will happen in your life too. हाँ, आपके जीवन में भी बिल्कुल ऐसा ही होगा. You may be under bondage. शायद आप बंधन में पड़े हो. You may be struggling hard. शायद आप मुश्किल का सामना. Shall I do now? अभी मुझे क्या करना चाहिए? Just look to the same God. उसी परमेश्वर की ओर देखिए. Who can bring you out of all the problems. जो आपको सारी परेशानी से बाहर निकाल सकता. Before that, what you have to do? कि पहले आपको क्या करना चाहिए? According to Romans 7:18-23. रोमियो अध्याय 7 वचन 18 से 23 के अनुसार. You have to tell the Lord what all the wrong things, unrighteous things are there in your life. आपको परमेश्वर को बताना होगा कि आपके जीवन में कौन सी गलत बातें, अधर्म की बातें हैं. If you are addicted to worldly things, अगर आप संसार की बातों के आदि, cry unto the Lord. तो आप परमेश्वर को पुकारिए. I am in bondage with all these things. हे प्रभु, मैं इन सारी बातों के बंधन. Father, deliver me. हे पिता, मुझे छुटकारा दे. Deliver me out of all these wretched things. मुझे इन सारी गलत बातों से छुटकारा दे. When you surely cry unto him, जब आप सच में उसे पुकारेंगे, what he will do? तो वो क्या करेगा? He will wash you with a precious blood which he shed on the cross just for you. और वो अपने उस बहुमूल्य लहू से आपको धोएगा जो उसने क्रूस पर बहाया था. You'll be cleansed from all the unrighteous things, unwanted things in your life. आप अपने जीवन की सारी अधर्म की बातों से, अनचाही बातों से शुद्ध हो जाएंगे. And God will give you grace to accept him as your savior. और परमेश्वर आपको अनुग्रह देगा कि आपको कि आप उसे उद्धारक के रूप में स्वीकार करें. If you read Luke 19 chapter, we read about a man called Zacchaeus. अगर आप लूक का अध्याय 19 में देखें तो यहाँ पर हम जक्कई नाम के आदमी के बारे में पढ़ते हैं. He was in utter darkness. वो तो पूरी तरह अंधकार में. He never knew anything about Jesus Christ. वो यीशु मसीह के बारे में कुछ भी नहीं जानता था. One day when he came to Jesus and wanted to see him and know about him, he saw Jesus. लेकिन एक दिन जब उसने यीशु के बारे में सुना, वो उसे जानना चाहता था और उसने यीशु को देखा. Jesus gave him salvation from all his sins. यीशु ने उसके सारे पापों से उसे उद्धार दिया. He and his whole house were transformed. वो और उसका पूरा घर बदल गया. The same thing is going to happen in your life. आपके जीवन में भी बिल्कुल ऐसा ही होगा. If you are in bondage with various worldly things. अगर आप अलग-अलग सांसारिक बातों के बंधन में पड़े हैं. Because of Satan. शैतान के कारण. The Lord is going to deliver you right now. तो अभी इस समय परमेश्वर आपको छुटकारा देंगे. Cry unto the Lord. आप प्रभु को पुकारिए. And he will bring you out of all those darkness. और वो आपको उन सारे अंधकार में से बाहर निकालेंगे. You'll be a new person. आप नए व्यक्ति हो जाएंगे. Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करें. Father,
Whoever is crying like that? पूरा संसार इस तरह Father, save me. और मुझे बता I am a sinner. मुझे बचा पे Cleanse me, Father. मुझे शुद्ध कर पे Your precious blood. अपने बहुमूल्य लहू से Those who are crying like that. जो लोग इस तरह से पुकार Accept them. इन्हें स्वीकार Accept them as your children. इन्हें अपनी संतान के रूप Cleanse them, Father. इन्हें शुद्ध कर पिता. Give them a new life. इन्हें नया जीवन दे. Let them be delivered out of all their slavery. और ये अपनी सारी गुलामी से आजाद हो. Give them a new life. इन्हें नया जीवन दे. Transformed life. और इनका बदला. Thank you, Lord. धन्यवाद पिता. Thank you, Lord. धन्यवाद. Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु. Give you all the glory. आपको सारी महिमा. In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं. Amen. Amen.